हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली मूंगफली। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया हुआ है। आधा चम्मच हम रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला, थोड़ा सा अजवाइन लिया है हम, इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आएगी। नमक डाल देते हैं 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम जिस कप से हमने बेसन को लिया था उसी कप से माप से हम 1 कप शेंगदाना डाल देते हैं। ये शेंगदाना ना बॉइल्ड है ना भुना हुआ, एकदम सादा शेंगदाना है। 1 कप और हम सिंगदाना डाल देते हैं। 1 कप बेसन में 2 कप सिंगदाना हमने डाला है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने सिंगदाने को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाथों के सहारे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें एकदम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। इतना पानी डालें कि सारे सिंगदाने हमारे बेसन में मिल जाए अच्छी तरह से। हमारे सिंगदाने काफ़ी अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, इसी तरह से हमें चाहिए टेक्सचर। अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए ढककर रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। जब तक हमारा पीनट अच्छी तरह से सेट हो रहा है तब तक हम इसमें और भी टेस्ट लाने के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिक्स हमने लिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारी मसाला मूंगफली काफ़ी टेस्टी और एकदम बाजार वाली टेस्ट आएगी। इससे हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब हमारी मूँगफली हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी मूँगफली सेट हो चुकी है। अब हम इसे तलने की प्रोसेस में चलते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमने पहले से ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है, अब इसे हम कढ़ाई में डालते हैं और इसे एक पलटे के सहारे से उल्टे पलटे से हम इसे इस तरह से इस पे चला देते हैं ताकि हमारी मूंगफली एक एक अलग अलग हो जाए। गैस का फ्लेम हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम पर ही इसे तले ताकि हमारी मसाला मूंगफली काफ़ी कुरकुरी और अच्छी बने। देखिए, हमारी मूंगफली अलग हो चुकी है। अब झारे के सहारे से हम इसे चलाते हुए तल लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से हमारी मूंगफली तल रही है। इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये चलेगी। देखिए, हमारी मूंगफली रेडी हो चुकी है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी क्रंची और कुरकुरी बनी हुई है हमारी मूंगफली और काफ़ी छोटे छोटे बने हुए हैं। हम इसी तरह से फिर से डाल देते हैं इसमें। और पलटे के सहारे से हम इसे इस तरह से करके चला लेते हैं ताकि हमारे सारे मूंगफली अलग हो जाए। बिल्कुल आराम से करें। अगर 1-2 हमारे ऐसे जुड़े हुए रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में अलग हो जाएंगे। हमारा आखिरी बैच भी बनकर रेडी है, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने सभी मसाला मूंगफली बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम बाजार वाले स्टाइल में बनाने के लिए हमने जो मसाला रेडी करके रखा है वो हम डाल देते हैं। इससे और चटपटा बनेगा हमारा मसाला मूंगफली। और ये गरम गरम रहे तभी इस पे डालें, ये अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसे गरम गरम ही मिक्स करें तभी सारे मसाले एक दूसरे में चिपकेंगे। देखिए, हमने काफ़ी अच्छी तरह से
मसालों को मिक्स कर लिए हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी क्रंची और कुरकुरे बने हैं हमारे मसाला मूंगफली और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप महीनों रख सकते हैं, जब मन चाहे तब आप खाएं, चाय के साथ भी इसे हम खा सकते हैं। बस थोड़े से सामान में घर में बनाएं आसान तरीके से मसाला मूंगफली। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।